केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर के सरिस्का को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और टूरिज्म के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि अलवर से जो विधायक हैं वे भी राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, इसलिए दोनों मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये बात आज अलवर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान की शुरुआत की है, एक पेड़ माँ के नाम। उस अभियान के तहत एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर 5 साल तक उसे पेड़ को संभाल कर रखें तो निश्चित रूप से विकसित होगा और माँ की याद भी स्थायी रूप से रहेगी। सर, अलवर शहर में लगातार इंक्रोचमेंट की समस्या है, अवैध बिल्डिंगों की भरमार है। आप जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं, एटमॉस्फेयर बदलेगा, यहाँ तक कि आपके ही जिला अध्यक्ष ने सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर रखा है, कैसे बदलेंगे आप माहौल? सर, ना भूजल में पानी है ना टंकियों में पानी है सर, लेकिन बैठकें हो रही हैं, बैठकें लगातार हो रही हैं, लेकिन वो समस्याएं हल नहीं हो रही है। पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम है उसमें सुधार कर, सर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार तो तभी होगा जबकि पानी हो। मतलब समीक्षा करने के लिए मैं तो पहली बार आज बैठा हूँ सर, इसीलिए तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे, मैंने आगे के शुरू के पहले के वक्तव्य दिए थे, वर्तमान एग्जिस्टिंग क्षमता, वर्तमान सप्लाई क्षमता, सप्लाई क्षमता के जितने विषय हो सकते हैं वो आज मेरे से मुलाकात की है। सर, ये चाहेंगे होगा, सर ये चाहेंगे होगा, इन शब्दों से हटकर कब ये अलवर महसूस करेगा कि ये समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हर बार आश्वासन ही मिलता है अलवर को। सब चीजें पूरी होंगी। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी है सर, प्रदेश अध्यक्ष पद बंगाल में छोड़ दिया है, पहले वो बयान दे चुके हैं। लोग कांग्रेस छोड़ ही रहे हैं लगातार, कांग्रेस का आधार भी सिकुड़ रहा है, कांग्रेस का नेतृत्व भी कोशिश करके भी कुछ कर नहीं पा रहे, कांग्रेस एक पूरे तरीके से खत्म होने वाला है। आप पत्रकार को लाइए सर, केंद्र में इस बार गठबंधन की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत नहीं है, नीतीश कुमार जी भी उसमें कहीं ना कहीं आपके उसमें सम्मिलित है, डर है किसी बात का कि भविष्य में निर्णय कोई लेने से? के साथ हमारी सरकार चल रही है, केंद्र की जो हमारी सरकार है बहुत मजबूती के साथ हमारी चल रही है, और 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सर, आप यहाँ आए, अंतिम सवाल, आप केंद्र के नेता हैं, इस समय 5 ऐसी चीजें जो पूरे देश में या अलवर को इम्प्रूव करते हुए आप अब आगे चीजें करने वाले हैं? मैं तो अभी प्राथमिकता का विषय उस पर मैंने आज पहली बैठक ली है, बाकी विषयों पर बैठक लेते जाऊंगा, 5-10 कुछ नहीं होता है, मैं पूरे 5 साल और हमेशा के लिए अलवर का समर्पित। एक सवाल और है, कोई बड़ा टूरिस्ट को रिझाने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने की योजना है क्या सर? सारा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत बड़ी बात है कहनी मेरी आदत है, जो जो रोज स्टेप होगा। सर, एक सवाल है, संघ की ओर से भाजपा को अहंकारी बताया जा रहा है, संघ की ओर से अहंकार आने की वजह से जिस तरह का रुझान आ रहा है उनके मुख्य पत्र में आ रहे हैं, जिस तरह की बात हम सब लोग संघ से प्रेरणा लेते हैं। मंत्री जी, एक सवाल, आपने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहा है, खेलों को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ शहर में इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम है लेकिन एथलीट के लिए सिंथेटिक ट्रैक नहीं बना। मेरी बात हुई है, मेरा उसका वादा किया था, उसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में सरिस्का एक वन ऑफ द प्राइम हमारा एरिया है। हमारे वन मंत्री संजय जी द्वारा कई कदम उठाए गए हैं और सरिस्का में जो सबसे बड़ा विषय है जो इसका इकोनॉमिक फाइनल होना है, अभी वन मंत्री जी के प्रयासों से दिल्ली में एक मीटिंग हुई, साथियों को भी मीटिंग हुई, 2 बार रिव्यू मीटिंग हुई है, चीज अभी प्रोसेस में, लेकिन हम 2 विषय में पूरी तरह से स्पष्ट है, इंक्रोचमेंट कोई सहन नहीं होगा, दूसरा सिरिस्का के इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के इशू को जल्दी फाइनल किया जाएगा, उसकी जो भी वैधानिक प्रक्रिया उसके पालन पे कार्रवाई चल रही है,
कांग्रेस सरकार में तो मैं वन मंत्री रहते हुए लिख लिख के परेशान हो गया। 700 दिन तक बड़ा इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन का फैसला किया, इन्होंने किया ही नहीं। जो मंत्री थे उन्होंने, जो अलवर से थे उन्होंने तो रुचि नहीं है। ये तो अभी राजस्थान में सरकार आई तो वापस से प्रपोजल भेजा है, उसकी क्वेरी वगैरह को हमने वापस करा है। तो एक तो ये वाला विषय, दूसरा विषय कैरिंग कैपेसिटी को तो बढ़ाया ही जाएगा। ये तक पैकेज का विषय और संबंध में अधिकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिनका भी पुनर्स्थापन होगा उनके पूरे पैकेज के साथ पुनर्स्थापन। अच्छा, आप केंद्रीय मंत्री हैं, एनसीआर में अलवर आता है, एनसीआर का फायदा उतना जितना मिलना चाहिए आज तक मिला नहीं है, बल्कि उसका नुकसान बहुत है कि 10 साल से लेकर 15 साल तक के जो वाहन है उनकी लिमिट टाइम तय है, रोजगार यहां से जो ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए उनका रोजगार खत्म हो रहा है। तो उसके लिए क्या रहेगा कि एनसीआर क्षेत्र से अलवर को हटाया जाएगा या जो उनकी उपलब्धियां हैं उसमें सम्मिलित की जाएगी? हर तरह से अलवर के विकास का काम किया जाएगा। आज मैंने पहली बैठक पानी के लिए ली है, अन्य विषयों को भी सभी एजेंसियों के साथ करेंगे। और अगर अलवर लोकसभा क्षेत्र देखा जाए तो इसके बाद जो मेरी आज बैठक है वो बीड़ा के साथ है, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ। वहाँ भी नाले से लेकर कई विषय हैं, क्योंकि जब तक आप जमीन की समस्याओं को समझते नहीं, मैं जमीन का आदमी हूँ, जमीन का कार्यकर्ता हूँ, अलवर के हर गाँव तक घूमा हूँ। और मैं ये मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये साल पूरा होते होते मैं सभी गांव में धन्यवाद भी पूरा दे के आऊँगा, चाहे मेरी देश में कहीं भी अस्पताल है। आज से शुरू हो गया तो वर्तीघाट के लोग लगा के आज से शुरू हो गया। मैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ जहाँ जनता के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जनता के साथ जुड़े हुए हैं, सारे हमारे विधायक पार्षद सब लोग जुड़े हुए हैं। वही हम सरकार के नाते हमारी जिम्मेदारी की प्रशासन से भी पक्ष को समझ के और रास्ते को निकाला जाए। आप धन्यवाद की बात कर रहे हैं, अलवर में पानी के जो हालत है तकरीबन 10 लीटर पानी होती है। आपने एसआईटी में कहा था कि बाग और उद्योग दोनों चलेंगे, स्थिति हो चुकी है कि खाने बंद हो चुकी है, मिल उद्योग बंद हो रहे हैं, उद्योगपति पलायन करने को मजबूर है। आपकी कोर्ट ऑर्डर के कारण है, और चूंकि कांग्रेस सरकार ने ईएसजेड के बारे में निर्णय नहीं लिया था उस कारण है। ईएसजेड के पूरे विषय को लेकर 2 बार समीक्षा बैठक हो चुकी है न्यायालय में, उसमें एफिडेविट फाइल हो रहा है, हम उस पर त्वरित कार्यवाही कर रहे हैं और उन संस्थानों के साथ भी लगातार पानी की समस्या को लेकर के बराबर फोकस कर रहे हैं। तो आप भी तय करवा सकते। अच्छा, पानी की समस्या की बात करें, 10 लीटर पानी मात्र एक व्यक्ति को दिया जाता है जो टैंकरों का है। सरकार के नियमानुसार जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे मात्र 10 लीटर पानी टैंकरों के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान है। आपको लगता है सरकार का ये नियम ठीक है कि मात्र 10 लीटर से काम चलाएगी? मेरा तो ये मानना है कि जितनी क्षमता है उतनी क्षमता का विकास होना चाहिए, उसके लिए ठीक है। मंत्री जी, पानी की समस्या को लेकर के आपका बराबर फोकस है। जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहाँ से पानी की पूर्ति हो सकती है, जैसलमेर में पानी आएगा तभी पानी की पूर्ति होगी। लेकिन जैसलमेर में पानी नहीं आने की वजह ये है कि सीलीसेट से और जैसवंत के बीच में 3 विधायकों के फार्म हाउस है जो कि बहाव क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बिल्कुल विपरीत है। 3-4 वन विभाग के अधिकारियों के फार्म हाउस है वो भी विपरीत है। क्या सरकार ये साहस दिखाएगी पूर्व विधायक और विधायकों के फार्म हाउस को या जो भी अवैध निर्माण है उनको हटा करके जैसवंत में पानी लाते? मैं सभी तथ्यों का संज्ञान लूंगा। और जहाँ तक ईआरसीपी की बात है, अभी कुछ दिन पहले भी अनौपचारिक रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी मिले थे इस विषय को। अवेलेबिलिटी कम है सर, मोस्टली देखा जाए ये कॉन्फ्रेंस 4 जून के बाद 24 घंटे में भी हो सकती थी, 10 दिन इस कॉन्फ्रेंस को होने में लग गए। तो सर समस्याएं ज्यादा है, आपकी अवेलेबिलिटी कम है, कैसे आप अपनी भूमिका से न्याय करें? 4 जून के बाद 6 जून को पत्रकारों से बात सर, रेगुलर बेसिस पे नहीं सर, रेगुलर बेसिस पे नहीं सर। अब आप कह रहे हैं कि एक संडे आप उधर रहेंगे एक संडे इधर, तो आप आदमी को कैसे पता लगे कि आज आप हैं नहीं सर? यहाँ पर 4 दिन विधायक ना दिखे तो टेंशन होने लग जाती है। आप इसी बेसिस पे मिलेंगे? अच्छा सर, एक सवाल ये है सर, अच्छा सर, अच्छा एक लोकसभा चुनाव में जो चुनाव परिणाम आए और जिस तरह मेरिट लिस्ट पे हुआ करती थी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, अलवर की भी बात करें कि 3 लाख से नीचे नहीं जाते थे, जीत हो गई अच्छी बात है, लग रहा है कि जनता के बीच पार्टी का रुख कम हुआ है या नेताओं के प्रति लगाव कम हुआ है? मैं अब 17.5 लाख जितने मेरे वोट थे मैं सबका जनप्रतिनिधि हूँ, पूरे अलवर का जनप्रतिनिधि हूँ, बाकी किस जीत हार को
दैनिक भास्कर के गंदे पानी को लेकर दो स्टेट का एक साल से हाईवे बंद है। मैं 3 बजे बैठे था अभी बगल राजपूत के लोग भी आए उस पर आपकी पार्टी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा जी का चुनाव से पहले बयान आया था, उसके बाद अब कई तरह की कंट्रोवर्सी अब भी सामने आ रही है और किरोड़ी लाल मीणा जी ने 2.5 साल पहले अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वन विभाग के अधिकारियों ने जहां बड़े होटलों के साथ में अतिक्रमण कर रखा है, क्या उस पर भी आप फोकस करेंगे, कोई कमेटी बिठा के जांच करेंगे? आप भी तो जिला अध्यक्ष के माध्यम से लखपति दीदी योजना पे काम किया जाएगा। अलवर में खेलों के विकास को लेकर के, उद्योगों के विकास को लेकर के, सब विषयों के विकास को लेकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ कर दी है। मैंने जब सांसद था तो ये कहा था कि मेरा निवास स्थान भी अलवर होगा और मैं कहता था कि भाई सुबह 8 बजे पता कर लेना, अलवर हो तो अलवर में मिलूंगा, दिल्ली हो तो दिल्ली में मिलूंगा, हर हफ्ते मेरा अलवर आना रहेगा, निवास भी मेरा अलवर रहेगा और हमारी टीम के साथ होगा। अशोक जी भी है, पंडित रणवीर जी भी है, संजय जी भी है, हम एक टीम के रूप में मिलकर अलवर के विकास के लिए और मीडिया के साथ मिलकर भी पूरे तरीके से लगे। सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, मेरे साथ उपस्थित पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, अलवर के हमारे यशस्वी विधायक, हमारे मंत्री सम्मानीय संजय जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से अलवर के सभी नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अलवर ने मुझे सांसद के रूप में चुनकर के एक गौरव का अवसर प्रदान किया है। अलवर की जनता के आशीर्वाद से मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री के रूप में वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के मंत्री के रूप में कार्यभार देकर जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस वर्ष 5 जून को एक अभियान प्रारंभ किया गया, एक पेड़ माँ के नाम, अलवर के हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि एक पेड़ जरूर अपनी माँ के नाम पे लगाए, उनको साथ में जाके लगाए, अगर उनकी स्मृति हो तो उनके पत्र के साथ लगाए। हम पेड़ लगाते तो हैं लेकिन जब हम अपनी माँ के नाम पे पेड़ लगाएंगे तो उसको संभालेंगे। एक पेड़ को लगाने के बाद अगर 5 साल तक उसकी संभाल की जाए तो पेड़ स्थायी रूप से रहता है। मैं मानता हूँ कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैसा मंत्रालय क्लाइमेट चेंज है आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों में चाहे बायोडायवर्सिटी कॉप हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की कॉप हो, चाहे डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड की कॉप हो और दुनिया भर में जितने क्लाइमेट के डायलॉग हो उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। हमने
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष ही 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन ईयर बनाया था। देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। हमारे लोगों के लिए तो गौरव का विषय है कि अभी हमारे यहाँ 3 और नए शावक आए हैं, लेकिन सरिस्का को हम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म की जगह बनाए, इसके लिए मैं और हमारे सहयोग है कि दोनों वन और पर्यावरण मंत्री केंद्र के और प्रदेश के साथ में हम दोनों साथ मिल करके काम करेंगे। आज जो हमारा मेरा अनुभव आने के बाद एक तरीके से जब चुनाव हुआ था तो मैं उड़ीसा में था, मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके मतगणना कराई, मैं मतगणना का धन्यवाद करने के लिए कार्यालय आया था और आज से सांसद के रूप में विधिवत अपने कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। मंत्री के रूप में तो मैंने पदभार संभाला है, तो निश्चित रूप से मीडिया का सहयोग समर्थन मुझे रहेगा। और मैंने अलवर में जब मुझे टिकट भी दिया था तो भक्तिनाथ का आशीर्वाद लेकर ही काम शुरू किया था, और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद तो या मंदिर का आशीर्वाद तो तीनों को करने के बाद मैं पार्टी कार्यालय में एक तीनों जगहों का आशीर्वाद लेने के बाद मेरा जो सपना है एक बार अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का रहता है, उस नाते मैं कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई करके आज पहली मीटिंग में शासन व्यवस्था संजय जी के साथ अलवर के पानी के और अलवर में पर्वे जो कैपेसिटी है वो 6,30,00,000 लीटर की है। अभी जो टोटल कैपेसिटी पानी सप्लाई की है वो 3,00,00,000 लीटर की है। शहर में 340 नलकूप भी है, जिसमें 140 नलकूप से टंकी के माध्यम से वितरण हो रहा है, 200 नलकूप से वितरण जो है वो डायरेक्ट हो रहा है। सरफेस वाटर के लिए हमको पता है कि जैसे हमने पानी लंबे समय से नहीं आया, शहर के जो 59 जोन है उन 59 जोन में अलग अलग जोन में अलग अलग लेवल का पानी सप्लाई हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से उस सप्लाई की मात्रा को ठीक करने का प्रयास किया है और इसलिए मैंने और संजय जी ने बड़ी गंभीरता से सभी विभाग के अधिकारियों के साथ इस पूरे विषय को रिव्यू किया। सबसे पहले तो हमने इस बात को चाहा है कि भूगर्भ के जो पानी की स्थिति है उसकी हमारी क्षमताओं का अलग अलग वितरण होना चाहिए। शहर की टोपोग्राफी में भी जो एक लास्ट स्टेज में जो पानी जाता है तो सप्लाई के लिए उसका एक बार वापस से अध्ययन होना चाहिए। PWD और नगर परिषद के साथ बैठने का विषय होना चाहिए। शहर के वाटर के रीयूज के विषय में, वाटर रिचार्ज के संबंध में और नए नलकूप को लेकर भी संजय जी के प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विभिन्न अभी स्वीकृतियाँ दी गई हैं उसको एक कलेक्टिव फॉर्म में लाना चाहिए। इस गर्मी के अवसर पर तो सब लोगों ने जो अपनी अपनी दिक्कतें झेली हैं वो जानते हैं, लेकिन प्राथमिकता के तरीके से आज लगभग 30-40 क्वेरी हम लोगों ने इस विषय पर निकाली और तीन तरह से विषय है। पहला, तात्कालिक रूप से जो पानी की आपूर्ति है उसके लिए कैसी सुगमता की जा सकती है। एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है 30 MLD की, उसमें क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रीयूज से लेकर सारे विषयों को हमने रखा है। और तीसरा, एक व्यापक विकसित अलूरा ग्राम बनाना चाहते हैं तो उसकी बड़ी योजना क्या है।
हमारी सारी क्वेरी के संबंध में विभाग ने कहा है कि वो हमको तीन चार दिन में सारे विषयों का समाधान करके देंगे। मैं भी इसके स्थायी समाधान के लिए पूरी तरीके से तत्परता से आसे मतलब बीच में लगा हूँ, लेकिन इसको एक वैधानिक रूप से आसे लगा हूँ क्योंकि मैं सांसद हूँ। दूसरा, इसके साथ साथ आने वाले समय में जो हमने अपने बजट Thank you.